नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। मऊ से बड़ी खबर सामने। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। वहीं तीसरे राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं वोटों की गिनती में समाजवादी पार्टी आगे है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 2042 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी को अब तक 10384 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के दारा सिंह को अब तक 8342 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 2042 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 10,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव के मंगलवार को हुए मतदान में 50% से अधिक मतदान हुआ था। वहीं पिछले साल के विधानसभा चुनाव में घोसी में 58.59% मतदान हुआ था। वहीं आपको बता दें, तीसरे राउंड की काउंटिंग में यहां पर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, 10384 वोट उन्हें अभी तक मिल चुके हैं। वहीं अगर घोसी के जातीय समीकरण की बात करें तो एससी की संख्या यहां पर 60,000 के आसपास है। वहीं चौहानों की जनसंख्या की अगर बात करें तो 45,000, साथ ही मल्लाह 70,000। वहीं यादवों की संख्या 40,000 है, साथ ही शिया की अगर बात करें तो 45,000 शिया का यहां पर आंकड़ा है। वहीं सुन्नी 35,000। राजभरों की अगर बात करें तो राजभर जातीय समीकरण 35,000 के आसपास। वहीं भूमिहार 35 देखे जा रहे हैं। घोसी मतदान के उपरांत मतगणना की व्यवस्था शुरू हो गई। मतगणना शुरू त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें आउटर कॉर्डन एंड कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन की व्यवस्था की गई है। और इसमें RAF को डिप्लॉय किया गया है और हमारी PSC को डिप्लॉय किया गया है, और पेट्रोलिंग के लिए हमारी जो लोकल फोर्स है वो निकली हुई है। और देख रहे हैं कहीं भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, और जिनका निर्वाचन के नियमों के अनुसार जिनको अनुमन्य है आना, उनको ही अंदर आने की अनुमति है। अभी तक जो है मतगणना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कुछ परिणाम आना जो प्रथम चरण के हैं वो आना शुरू भी हो गया, अनुमति हो रही है, देख सकते हैं सब ठीक चल रहा है। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव की जंग साफ देखी जा रही है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी में यहां पर टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, तीसरे राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अब तक 10,382 वोट मिले हैं। वहीं दारा सिंह को यहां पर 60,000 मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? वोटों की गिनती यहां पर तीसरे राउंड की पूरी हो चुकी है, क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है घोसी से? बता दें, समाजवादी पार्टी 384 वोट पाई है और वही बीजेपी 8,342। देखा जाए तो भाजपा का जो गढ़ होता है पूना पार कहा जाता है, पूना पार से जो समाजवादी पार्टी है वो आगे चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का तो गढ़ मान रहता है, वहां से भी समाजवादी पार्टी आगे है। अब इसी खबर पर हमारे साथ तौकीर भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। तौकीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान पर दांव खेला था, कहीं वो फेल होता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कई लोगों की साख दांव पर है। कई बड़े नेता वहां पर कैंपेन करने पहुंचे थे। करीब 12 ऐसे मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो वहां लगातार कैंपेन कर रहे थे। ढेरों विधायक थे, और सबसे बड़ी बात है कि दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मंत्री थे, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गए और वहां से चुनाव लड़ा, विधायक भी हो गए, लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो वापस अपने खेमे में आ गए, यानी कि बीजेपी में आकर
फिर से मैदान में उतर आए हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि दारा सिंह चौहान के साथ ही ओम प्रकाश राजभर का भी जो साख है वो दांव पर है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जो बहुत बड़े दावे किए थे कि उनकी उनकी लड़ाई सीधे अखिलेश यादव से है और वो इतनी बड़ी ताकत हो चुके हैं कि वो अकेले चुनाव जिता सकते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बयानबाजी वहां पर की है। लेकिन अभी शुरुआती जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी काफी खेमेबंदी की गई थी। जो कई बड़े नेता हैं जो लगातार कैंपेन किए थे, खासकर शिवपाल सिंह यादव, जिनके लिए भी ये चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है, क्योंकि बगल की सीट है आजमगढ़ लोकसभा, जहां से बताया जा रहा है कि उनको उम्मीदवार बनाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। आजमगढ़ भी लगातार कैंपेन कर रहे थे शिवपाल सिंह यादव। और जो मऊ है, यानी कि जो घोसी सीट है, उस जिले का जो मऊ जिला है, मऊ जिले के करीब में ही आजमगढ़ है। अब ऐसे में अब जो पूर्वांचल है वहां पर कौन बाजी मारेगा, और पूर्वांचल की राजनीति में जहां पर समाजवादी गढ़ कहलाता था, क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को वापस हथियाने में कामयाब होगी? कई तरह के अभी सवाल हैं जो थोड़ी देर बाद क्लियर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुरुआती रुझान है, यानी कि तीसरे राउंड की जो गिनती हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी आगे है, जबकि अभी ये करीब 38 राउंड अभी गिनती होनी बाकी है। वही तौकीर आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी क्या कुछ गलतियां रही यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से? मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने दारा सिंह चौहान पर ही दांव खेला जो समाजवादी पार्टी से ही बागी विधायक है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के बागी जरूर हैं, लेकिन उसके पहले वो भाजपा में थे, और पिछली भाजपा की यानी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में, तो वो मंत्री थे इसी पार्टी में, यानी कि वो अपने पुराने घर वापसी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दारा सिंह चौहान अकेले नेता नहीं थे, उनके साथ कई और नेता भी थे जो 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। और ऐसे में आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ प्रशांत मिश्रा जो कि बीजेपी से नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा यहां पर, जो आपने यहां पर दारा सिंह चौहान पर एक दांव खेला था जो समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे, बाद में उन्होंने बगावत करते हुए बीजेपी का दामन थामा, लेकिन यहां पर जो तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है वहां पर तो वो पीछे होते हुए नजर आ रहे, कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया? दाव उल्टा नहीं पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी, क्योंकि जब भी काउंटिंग होती है तो हम लोगों ने भी काउंटिंग देखी है। मैं स्वयं बहराइच में काउंटिंग में था, बहराइच सीट में जो हम लोग 22,000 से पीछे होने का बहराइच मतलब सीट हम लोग जीते थे, और निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो जिनकी काउंटिंग शुरू होती है, उसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी वोट है वहां पर से काउंटिंग होगी। तो निश्चित रूप से अभी भाजपा के प्रत्याशी को आने वाले राउंड में बढ़त मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, और अभी तो 3 राउंड की गणना हुई है, आगे के राउंड में आप देखिएगा कि निश्चित रूप से भाजपा प्रत्याशी आगे होंगे। विनय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इसी बीच यहां पर प्रशांत जी कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी को अगले राउंडों में बढ़त मिलती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन आपका क्या कहना है? तो प्रशांत भाई को हम बता दें, चौथे राउंड की भी डिटेल आ गया, 4067 वोट से सुधाकर सिंह आगे हैं, इनके जानकारी के लिए हम बता दें, और उसमें प्रशांत जी की कोई गलती नहीं है, बेचारे क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव में मैं रहा हूं 20 दिन तक घोसी में, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हताश और परेशान थे, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने पूरे चुनाव को और पूरे भाजपा को हैक कर लिया था, कहीं ना कहीं खुद बिग बॉस बन करके बैठे हुए थे और ये बार बार कहते थे ओम प्रकाश राजभर जिताएगा चुनाव, यहाँ पर योगी मोदी किसी का कोई मतलब नहीं रह गया था, और वहां पर भाजपा के भी कार्यकर्ता नाराज थे और उन्होंने भी वोट दिया, बड़े लंबे अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, और भारत समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, वहां पर लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कृतज्ञ रहा है अभी तक का, केवल चुनाव जीतना ही इनका एक मकसद रहा है, जनता के मुद्दे और जनता से जुड़े मुद्दे से कोई मतलब नहीं, जनता नाराज होती है होती रहे, जनता को कष्ट होता होता रहे, लेकिन यह अपने अहंकार में जानते हैं कि हम जिसको भी ले आ देंगे वह चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, चुनाव वहां पर समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है।
विनय जी माफ करिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, आपको सीधा रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। घोसी से बड़ी खबर सामने, आपको बता दें घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 4067 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं चौथे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 14,286 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 10,219 वोट मिले। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रशांत मिश्रा कुशल जो कि बीजेपी से नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी बीच मैं रुक करना चाहूंगा विनय सिंह का। विनय सिंह, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने यहां पर अखिलेश यादव जो कि लोकसभा चुनावों में भी यहां पर प्रचार करने के लिए नहीं उतरते थे, लेकिन उन्होंने भी साग का सवाल देखते हुए चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब जो यहां पर रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, जनता ने क्या कुछ मुद्दों को लेकर मतदान किया जिससे यहां पर बढ़त मिलती हुई यहां पर समाजवादी पार्टी को चौथे राउंड में भी नजर आ रही? देखिए, मैं आपको एक चीज मैं क्लियर बता दूं। मैंने अभी आपको पहले ही बताया, मिश्रा जी को बताया कि 4000 से ऊपर वोटों से आगे चल रही, उनको नहीं पता था। जो आपने कहा कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी प्रचार करने आए थे, देखिए यहाँ पे घोसी का चुनाव बड़ा डिफरेंट है, प्रशांत जी को भी पता है या बोले या न बोले, क्योंकि यहाँ लड़ाई जनता लड़ रही है। खुद जनता भारतीय जनता पार्टी के कृतज्ञों से जो कुरीतियां रही है इनकी, उससे वो लड़ रही है। तो यहाँ पर लड़ाई किसी और की नहीं है, जो जनता जनार्दन जो निर्णय देती है, आज वह जज खुद ही चुनाव लड़ रहा है। पूरे घोसी की जनता इस भ्रष्ट प्रशासन से चुनाव लड़ रहा है, भ्रष्ट सरकार से चुनाव लड़ रहा है। यह लड़ाई जनता की लड़ाई है, इसलिए हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं जनता की आवाज पर जनता के बीच जाने का काम किया, जनता ने बुलाया था और जनता के बीच गए थे, और यह उसी का परिणाम है। जनता ने जिस प्रेम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बुलाया था, उसी प्रेम से उसी भयंकर रूप से मतदान भी किया है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है। यह निर्णय कहीं ना कहीं यह बताने के लिए तैयार है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां रही है, जो इनकी सरकार की भ्रष्टाचार रहे, उसके खिलाफ 2024 में वोट पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता से जाने वाली है। घोसी की जनता ने आगाज कर दिया और यह दूसरा आगाज और दूसरा कुठाराघात घोसी की जनता ने उनके ऊपर भी किया है, जो भगोड़े टाइप के प्रत्याशी हैं, जो दल बदल बराबर करते रहते हैं, उनको भी यह संदेश दिया है कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे लोगों को जो जनता के हितों को कतई ध्यान में नहीं रखते, जो अपने पार्टी की निष्ठा को ध्यान में नहीं रखते, वो जनता से निष्ठापन और जनता से लगाव क्या रखेंगे, ऐसे भी प्रत्याशियों को घोसी की जनता का निर्णय है जी। तौकीर, इसी बीच मैं तौकीर का रुख करना चाहूंगा जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। तौकीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा मतदान केंद्रों पर जहां पर यहां पर मतगणना चल रही है, मतगणना केंद्रों पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि कई राउंडों की यहां पर गिनती होनी अभी बाकी है। देखिए, पुलिस के अफसर लगातार कैंप कर रहे थे वहां पर, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी निगरानी की जा रही थी, और इसके अलावा जो वहां पर सीआरपीएफ है उसको भी लगाया गया था किसी भी तरह की अनहोनी को देखते हुए, क्योंकि लगातार हमने देखा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके नेता लगातार मुख्य चुनाव अधिकारी से मिल रहे थे और अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे। शिवपाल सिंह यादव आईजी से मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के ही दो बार ऐसा हुआ कि उनका डेलीगेशन यहां पर चुनाव अधिकारी से मिलने लखनऊ मुख्यालय भी गया, और भारतीय जनता पार्टी का भी कैंप एक बार जो डेलीगेशन था वो चुनाव आयोग के पास पहुंचा था अपनी शिकायत दर्ज कराने। उनका कहना था कि जब काउंटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग इस ईवीएम को लूट लेंगे। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले थे, लेकिन फिलहाल आज काउंटिंग जारी है और शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ ही काउंटिंग चल रही है। करीब 4 राउंड काउंटिंग पूरी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बना रखी है, अब आगे आगे काउंटिंग बढ़ रही है, लेकिन संभावना यही है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव होगा,
क्योंकि अधिकारी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं, और वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं यानी कि आईजी एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी घोसी विधानसभा में कैंप किए हुए हैं और काउंटिंग पूरी होने तक वो शाम तक घोसी में ही रहेंगे। तो फिलहाल किसी भी तरह की संभावनाओं से अभी तो फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता हैं, एक सवाल मेरा जरूर उनसे बनता है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या घोसी में स्थानीय नेता नहीं थे जो समाजवादी पार्टी से आए हुए एक इम्पोर्टेड नेता यानी कि बाहरी नेता और जिनके ऊपर एक तरह का दाग भी हो गया कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, जब विपक्ष में जब वो समाजवादी पार्टी एक तरीके से माहौल में थी कि 2022 में सरकार बना सकती है तो वो दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन जब सरकार नहीं आई तो वापस वो बीजेपी में आ गए। क्या आप मानते हैं कि जनता के बीच इस बात की नाराजगी रही कि ये दल बदलू नेता जो हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, क्या इसी वजह से जो जनता ने जो शुरुआती रुझान में ही कह सकते हैं दारा सिंह चौहान को नकार दिया? प्रशांत मिश्रा जी जवाब। नहीं तो फिर भी जो आप सर्वजन की बात कर रहे हैं, अगर जो आज इस बार की बातें आई है तो निश्चित रूप से पूर्व में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस जो भी दल होते हैं, अगर उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से हमें कहीं जनता के बीच में जाकर के लाभ की स्थिति है, तो निश्चित तौर से तारा सिंह चौहान जी भी जब पता में गए थे तो समाजवादी पार्टी ने सुधाकर भी जो चुनाव कर रहे थे पूर्व में चुनाव हारे थे, ये भी उनके पार्टी के बड़े नेता थे और इन्होंने संघर्ष किया था, तो ये राजनीति में चलता है कि हाँ प्रत्याशी और आते जाते हैं, तो मैं इस बात से आपके सुधार नहीं रखता हूँ। दूसरी चीज, अभी 4,30,000 मतदाता उस विधानसभा में है घोसी में, और उसमें 2,15,000 की लगभग पोलिंग हुई है 50% के हिसाब से, अभी केवल 35,000 वोटर तक की गिनती हो पाई है, काउंटिंग हो पाई है, अभी आने दीजिए, अभी आपको परिणाम अच्छा दिखेगा निश्चित रूप से, क्योंकि 35,000 वोटर पर आप जीत और हार का फैसला नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे आखिरी राउंड तक व्यक्ति चलता है, तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि जनता का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा की सरकार के साथ है, मोदी जी योगी जी के साथ है, पूर्व में भी अखिलेश यादव जी जब 22 का चुनाव लड़ रहे थे, 2022 में उनकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, तो उनकी पार्टी के नेता कहते थे कि हम सरकार में आ रहे हैं और सरकार में आएंगे तो देख लेंगे, वो गुंडाराज वो भ्रष्टाचार वो सरकार भी जनता ने देखी है, घोसी की जनता ने भी देखी है, तो निश्चित रूप से घोसी की जनता प्रदेश की विकास करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रत्याशी को वोट देगी, निश्चित रूप से भाजपा के प्रत्याशी विजय होंगे, ऐसी ऐसा मैं भरोसा देता हूँ। प्रशांत मिश्रा जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है कि क्या कहते हैं, कहा तो ये जा रहा था कि यहाँ पर घोसी लोकसभा चुनावों की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से छवि दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब आपने यहां पर अपने नेता को उतारा दारा सिंह चौहान को, जो कि बागी निकलकर सामने आए, लेकिन इस तरीके से जो अभी जनादेश मिलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती राउंड में ही उन्हें जनता नकारती हुई नजर आ रही है, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमन जी, ये अंतिम परिणाम नहीं है, अंतिम परिणाम के इंतजार के लिए निश्चित रूप से मैंने क्या कहा कि 4,30,000 मतदाता है, 6,000 से ऊपर से आगे हो गए जी, कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह 6,000 ज्यादा से वोटों से आगे हो गए इस समय। मैंने कहा कि 2,15,000 वोटों की काउंटिंग होने दीजिए, उसके बाद परिणाम जो आएगा परिणाम आपको भी स्वीकार होगा, हमें भी स्वीकार होगा, जो जनता का जनादेश है, जो भी परिणाम आता है सभी को स्वीकार करना पड़ता है, इन 2,15,000 वोटों की काउंटिंग होने दीजिए, 4,30,000 वोटों में 50% मतदान हुआ है, तो पूरे जनादेश को हमें दीजिए, पूरा जनादेश हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब लोग टीवी चैनल पर देख रहे हैं, तो पूरी काउंटिंग होने दीजिए, उसके बाद हम लोग निश्चित रूप से जनादेश आएगा उसका सम्मान करेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, तौकीर आपका धन्यवाद, प्रशांत मिश्रा जी आपका धन्यवाद, वहीं विनय सिंह जी आपका धन्यवाद। आपको बता दें घोसी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह चौथे राउंड की गिनती के बाद अब खबर यह भी सामने है कि पांचवें राउंड की गिनती में भी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 10,219 वोट मिले हैं।